रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की आज स्क्रीनिंग होगी। बच्चों पर वैक्सीनेशन की ट्रायल की जा रही है दिल्ली एम्स में। 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स का दावा यहां पर सामने आया है, कोरोना के खिलाफ नोवावैक्स का टीका 90% असरदार है। हल्के लक्षण वाले मरीजों पर टीका 100% प्रभावी है। बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की आज स्क्रीनिंग की जाएगी दिल्ली एम्स में। 6 से 12 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स का दावा यहां पर सामने आया है, कोरोना के खिलाफ नोवावैक्स का टीका 90% असरकार है। हल्के लक्षण वाले मरीजों पर टीका 100% प्रभावी बताया जा रहा है। तो वहीं बच्चों पर वैक्सीन की ट्रायल को लेकर आज स्क्रीनिंग की जाएगी दिल्ली एम्स में। 6 से 12 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल की आज स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो वहीं गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी हुई है। सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट शेयर न करने की सलाह दी है। निजी डेटा लीक होने की आशंका यहां पर जताई गई है। बच्चों पर वैक्सीनेशन की ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी दिल्ली एम्स में। 6 से 12 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारी संवाददाता प्रीत किरण। प्रीत, बच्चों पर वैक्सीनेशन के ट्रायल के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, इससे पहले बच्चों को वैक्सीन देके ट्रायल किया गया था। वो बच्चे जिनकी हेल्थ को लेके कोई इशू नहीं था और पूरी तरीके से स्वस्थ थे, स्क्रीनिंग के बाद ही उनको वैक्सीन ट्रायल की पहली डोज दी गई थी। और जिसके बाद ये कहा गया था कि कुछ समय के बाद उनकी स्क्रीनिंग होगी, अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा तो आने वाले दिनों में देश भर के जो बाकी बच्चे हैं, 6 से 12 साल के बच्चे जिनको वैक्सीन दी जानी है तीसरी लहर को देखते हुए, वैक्सीनेशन का काम जल्द से जल्द शुरू किए जाना है उसको देखते हुए आज जो ये स्क्रीनिंग है ये की जाएगी दिल्ली के एम्स अस्पताल में। हालांकि इससे पहले पटना के एम्स अस्पताल में बच्चों की पोस्ट वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहां पर बच्चे पूरी तरीके से तंदुरुस्त थे, किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का जो साइड इफेक्ट है या फिर किसी भी बहुत ज्यादा मेजर सिम्टम्स देखने को नहीं मिले थे। कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को किसी तरीके से वैक्सीन का प्रभाव देखने को मिला हो, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से वैक्सीनेशन का ट्रायल किया जा रहा है ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 90% जो वैक्सीन है वो असरदार है, कोरोना महामारी से पार पाने में कारगर साबित होगी। और जो बच्चे पूरी तरीके से तंदुरुस्त है, जिन बच्चों को जो लक्षण है वो भी हल्के जो बुखार के जो लक्षण है, जो बड़े लोगों ने भी जो 18 से अधिक की आयु के लोगों ने वैक्सीन ली है उसी तरीके के सिम्टम्स इन बच्चों को भी देखने को मिले हैं। ज्यादा खतरनाक किसी भी बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं हुआ है, वैक्सीन का किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जब स्क्रीनिंग हो जाएगी पटना एम्स के बाद दिल्ली में, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 1 महीने के बाद बच्चों की जो वैक्सीनेशन का काम है वो भी देश में शुरू हो जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारी संवाददाता प्रीत किरण, जिन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बच्चों पर ट्रायल किया गया, उसकी स्क्रीनिंग आज होगी एम्स में। 6 से 12 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो वहीं नोवावैक्स ने दावा किया है कि 90% वैक्सीन असरकारक है।